लॉकडाउन बढ़ने वाला है, इसलिए लॉकडाउन की आदत डालिए, घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। नमस्कार, मैं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। लॉकडाउन में राजस्थान राधे राधे दरभंगा दे रहा है होम डिलीवरी की सुविधा, पूर्ण सुरक्षित एवं जीरो कॉन्टैक्ट डिलीवरी। तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर रामबाग दरभंगा। एडमिशन ओपन, गर्ल्स नर्सरी टू सेवेंथ, बॉयज नर्सरी टू फोर्थ। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2020-21। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा, सेलिब्रेटिंग रिकॉर्ड सक्सेस इन JEE मेंस 2020, नंबर वन इंस्टीट्यूट, बेस्ट रिजल्ट्स, बिग फैकल्टी टीम, इंफ्रा एंड मैनेजमेंट। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड दरभंगा। एडमिशन ओपन। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में प्योर विज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक दरभंगा। सख्त हुई पुलिस तो 100% हुआ लॉकडाउन, मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में पुलिस की भारी दस्तक। दिन भर ही नहीं, शाम में भी हर तरफ हुई किलेबंदी, बेवजह निकलने वालों की ली गई खबर। कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरतने के चलते अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। छोटाई पट्टी पंचायत के PDS डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द, सदर SDO ने की कार्रवाई। लॉकडाउन का पालन कराने में NCC कैडेट्स निभाएंगे रोल। DMCH एवं रेफरल अस्पतालों में चिकित्सा सेवा तत्काल शुरू होगी। कोरोना कर्मवीरों का बालाजी रसोई परिवार कर रहा सम्मान, जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा खाने पीने का सामान। और युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी अपनी टीम के साथ लगातार जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे राहत सामग्री। और समाचार अब विस्तार के साथ। सख्त हुई पुलिस तो दरभंगा में 100% हुआ लॉकडाउन, मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में पुलिस की भारी दस्तक। रविवार को लॉकडाउन के 19वें दिन पूरी तरह से एक्टिव मोड में रही दरभंगा पुलिस, मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में बेवजह बाहर निकलने वालों की पुलिस ने खूब ली खबर। थानेदार से लेकर SSP तक शहर की सड़कों पर नजर आए, पूरे पुलिस बल के साथ कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कराया। सरकार ने भी इस वक्त बयान जारी कर कहा है कि बेवजह लोग घरों से बाहर नहीं निकलें, बेवजह बाहर निकलने पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने अभी बयान जारी कर इस वक्त कहा है कि सामानों की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है, सामान आपूर्ति किए जा रहे हैं, बेवजह लोग लॉकडाउन को न तोड़ें, लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। कोरोना के एक दिन में आज 909 नए मामले आए हैं और कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर भारत में 8,447 हो गई है। देश भर में 273 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। लॉकडाउन की आदत आप भी डाल लीजिए। 14 अप्रैल तक तो लॉकडाउन है ही और इसके बाद लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू होगा, यह भी तय माना जा रहा है। और यह लॉकडाउन पार्ट 2 भी कम से कम 14 दिनों का होगा, इसलिए घर में रहने की आदत डालिए, बिना वजह लॉकडाउन मत तोड़िए, यह भी जान लीजिए। बार बार सरकार से लेकर मीडिया तक आपको बता रही है कि लॉकडाउन आपके ही हित में है, लॉकडाउन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए है। आप घर में रहेंगे तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना अंदर आ जाएगा। बिहार में सरकार ने पहले ही एक दिन पहले शनिवार को ही बाकायदा ऐलान कर दिया था कि बिहार में लॉकडाउन में बिना वजह बाहर निकले तो कड़ी कार्रवाई होगी, मुकदमा तक दर्ज होगा और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी। बावजूद
इसके इस ऐलान को लोगों ने हल्के में लिया और हल्के में लेना उन्हें पड़ गया भारी। पुलिस बल पूरी तरह से सड़क पर एक्टिव नजर आया और कड़ी कार्रवाई हुई। दौड़ा दौड़ा कर लोगों को सबक सिखाया गया। यह जरूरी भी है क्योंकि लोग लॉकडाउन को मानने के लिए कुछ लोग तैयार नहीं हैं और ये नहीं मानने वाले लोग, लॉकडाउन को नहीं मानने वाले ये लोग उन लोगों की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं जो लॉकडाउन को लगातार मान रहे हैं। इसलिए आप लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए, यह आपके हित में है, हमारे हित में है, पूरे देश के हित में है। स्टे होम स्टे सेफ। इसके अलावा भी जो लीक रोड है वहाँ भी ब्लॉक किया गया है और जिला के अंदर में लॉकडाउन को परम कराने के लिए DSP से लेके SHO तक सभी लोग रोड पर हैं और सभी को सख्त आदेश है। कोई भी वाहन अनधिकृत रूप से बाहर रोड पर निकाला जाना चाहिए और अगर मोटर व्हीकल अधिनियम का उल्लंघन करके कोई वाहन पाया जाता है तो उससे कड़ी कार्रवाई करें। इसके अलावा जो व्यक्ति रोड पर पाए जाएंगे उनके पास उचित कारण नहीं होगा लॉकडाउन में बाहर निकलने का उनके कुछ भी कार्रवाई की जाएगी। दिन भर ही नहीं शाम में भी हर तरफ हुई किलेबंदी, बेवजह निकलने वालों की खूब ली गई खबर। इस लॉकडाउन में अगर आप बिना किसी ठोस कारण के बेवजह केवल मटरगस्ती के ख्याल से सड़कों पर बाहर निकलते हैं तो यह खबर आपके लिए है। रविवार को लॉकडाउन के 19वें दिन पूरी तरह से एक्शन मोड में रही पुलिस। सुबह से लेकर शाम तक की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं किस तरह पुलिस ने अपने एक्शन मोड में बड़ी कार्रवाइयां की और शाम के वक्त जब लॉकडाउन का पालन कराने सड़क पर उतरी पुलिस तो अच्छे अच्छों के पसीने और छक्के छूट गए। लहेरिया सराय से लेकर दरभंगा और शहर से लेकर गांव तक पुलिस की बड़ी कार्रवाइयां हुई। कई दर्जन मोटरसाइकिलों को पकड़ा गया, बिना हेलमेट के उन पर फाइन किया गया, डबल लोडिंग वालों को फाइन किया गया। इसके साथ ही लॉकडाउन में बेवजह निकलने वालों को पकड़कर थाने में बिठाए रखा गया है। एक FIR दर्ज हुई है जबकि 4 गिरफ्तारी की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है लेकिन एक FIR दर्ज होने, लॉकडाउन तोड़ने को लेकर और 4 गिरफ्तारी की भी खबर है जबकि दर्जनों मोटरसाइकिलों को, दुपहिया वाहनों को विभिन्न थानों में पकड़कर रखा गया है। इनसे फाइन वसूला जा रहा है और लाखों रुपए इनसे फाइन वसूले जाने की भी खबर है। लगातार परेशान थी पुलिस, लोग लॉकडाउन का बेवजह उल्लंघन कर रहे थे और आखिरकार पुलिस को बड़ी और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। रविवार की ये तस्वीरें, पुलिस लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक एक्टिव मोड में रही और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की खबर ली। आप भी अगर बेवजह निकलते हैं तो अपनी इस आदत को बंद कर दीजिए क्योंकि पुलिस की बड़ी और कड़ी कार्रवाई का सामना आपको करना पड़ेगा, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। लॉकडाउन में रहिए, लॉकडाउन को तोड़कर बाहर निकलेंगे तो पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा सो अलग, कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा सो अलग। इसलिए घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, स्टे होम स्टे सेफ।
कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरतने के चलते अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। जिलाधिकारी दरभंगा ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपेक्षित दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं करने के चलते कई पदाधिकारी एवं कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा है और उक्त सभी अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी बहेड़ी एवं बहादुरपुर, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कुशेश्वर स्थान पूर्वी बहादुरपुर एवं अंचलाधिकारी बहादुरपुर एवं बहेड़ी के नाम शामिल हैं। विदित हो कि विश्वव्यापी कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन को सफल बनाने, विधि व्यवस्था बनाए रखने, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों के स्वास्थ्य जांच करवाने का संयुक्त दायित्व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया गया है। जिला स्तर पर गठित होम क्वारंटाइन कोषांग एवं अन्य कोषांग से पूरी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इस कोरोना आपदा को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिला स्तर से कहे जाने पर प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी सक्रिय होते हैं। जिलाधिकारी ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। छोटाई पट्टी पंचायत के पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति हुई रद्द, सदर एसडीओ ने की कार्रवाई। पीडीएस डीलर शत्रुघ्न सिंह की अनुज्ञप्ति रद्द। सदर एसडीओ राकेश गुप्ता ने एक पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया है। इस डीलर का नाम शत्रुघ्न सिंह है। इनका अनुज्ञप्ति संख्या 3/2016 और ये छोटाई पट्टी पंचायत के हैं। एसडीओ सदर द्वारा बताया गया है कि कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण सभी पीडीएस डीलरों को पात्र लाभार्थियों के बीच माह अप्रैल के नियमित समूल्य अनाज के साथ एक माह का अतिरिक्त मुफ्त अनाज सभी पात्र लाभार्थी के बीच वितरित करने का निर्देश दिया गया है। कहा कि खाद्यान्न का वितरण सही ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी दुकानों की बराबर जांच की जा रही है। जांच में पीडीएस डीलर द्वारा अनाज के वितरण में अनियमितता बरते जाने एवं ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, इसलिए ग्राहकों के हित में उक्त डीलर के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए उसका अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है। लॉकडाउन का पालन करने में एनसीसी कैडेट्स निभाएंगे अब रोल। लॉकडाउन का पालन कराने में एनसीसी कैडेट्स निभाएंगे रोल, डीएम एसपी ने उन्हें किया ब्रीफ। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु जिले की सब्जी मंडियों में भीड़ को नियंत्रित करने तथा ग्राहकों को अनुशासन के मूल मंत्र के साथ सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन कराने में एनसीसी कैडेट्स अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा इस कार्य में एनसीसी कैडेटों की सेवा लेने का निर्णय लिया गया है। इसी उद्देश्य से आज 12 अप्रैल को पूर्वाहन राज मैदान दरभंगा में एनसीसी कैडेटों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ त्यागराज एनएसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम द्वारा एनसीसी कैडेटों को संबोधित करते हुए आपदा कि इस घड़ी में उन्हें अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया गया। मालूम हो कि दरभंगा शहर के 2 मुख्य थोक सब्जी मंडी को क्रमशः दरभंगा राज परिसर तथा लहरियासराय के नेहरू स्टेडियम में स्थानांतरित किया गया है। खरीद बिक्री कार्य में लोगों के द्वारा सामाजिक दूरी नियम का पालन किया जाए यह सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा एनसीसी कैडेटों की सहायता ली गई है। लॉकडाउन को प्रभावी तरीके से पालन कराने हेतु प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं, दूध, फल, सब्जी आदि दैनिक उपभोग की सामग्रियों की डोर स्टेप डिलीवरी सेवा भी शुरू की गई है। इसलिए लोगों से अपील की गई है कि लोग सब्जी आदि खरीदने हेतु घर से न निकलें बल्कि अपने मोहल्लों में ही चलन सब्जी विक्रेता से सब्जी खरीदें और लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करें। डीएमसीएच एवं रेफरल अस्पतालों में चिकित्सा सेवा तत्काल शुरू होगी। डीएमसीएच और रेफरल अस्पतालों में चिकित्सा सेवा तत्काल शुरू होगी। राशन वितरण में गड़बड़ी करने वाले डीलरों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। गेहूं के अधिप्राप्ति कार्य तेज करने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा 11 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश के आलोक में आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक कर उन्हें सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया। इसमें मुख्य रूप से डीएमसीएच एवं अन्य अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों में तत्काल चिकित्सा सेवा बहाल करने, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्व की व्यवस्था की तरह डॉक्टरों को बीमार लोगों के घर पर भेजकर उन्हें चिकित्सा सुविधा जारी रखने एवं सभी पीएचसी में कम से कम एक एम्बुलेंस सामान्य मरीजों के लिए हर हमेशा तैयार रखने का निर्देश शामिल है। साथ ही सभी एमओआईसी को बीडीओ, सीओ, एसएचओ आदि अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर विदेश यात्रा कराए लोगों की दोबारा जांच करा लेने, अप्रवासी मजदूरों को विलेज क्वारंटाइन में 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से रखने एवं उनके स्वास्थ्य पर बराबर नजर रखने एवं ग्रामों में ग्राम पंचायत मुखिया के माध्यम से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने को कहा है।
कोरोना कर्मवीरों का बालाजी रसोई परिवार कर रहा सम्मान, जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा खाद्यान्न। बालाजी रसोई परिवार ने कोरोना सेनानियों का किया सम्मान। नगर निगम के सफाई कर्मियों के साथ साथ नगर थाने की पुलिस पूरी टीम, थानाध्यक्ष का किया सम्मान। नगर निगम सफाई कर्मियों को फूल माला अर्पित किया, उनका स्वागत किया और उसके साथ ही नगर थाने के पूरी टीम को किया गया सम्मानित। बालाजी रसोई के सदस्य मुन्ना खेड़िया, सुशील जैन, प्रमोद स्वाइका, अशोक चौधरी, दिलीप सर्राफ, अरविंद जैन, अमित जाजोदिया, सुरेंद्र जैन, प्रवीण गोयंका, विक्की जाजोदिया, वरुण सुरेखा, पंकज मित्तल ने उन्हें सम्मानित किया। और लगातार आपको यह भी जानकारी दे दें कि बालाजी रसोई परिवार जरूरतमंदों को सामान भी, फूड पैकेट भी उपलब्ध करा रहा है ताकि इस आपदा की घड़ी में उनकी मदद हो सके। फूड पैकेट में आटा, साबुन, तेल, बिस्किट, चना एवं नमक शामिल है। इनके इस प्रयास की हर तरफ हो रही है भूरी भूरी प्रशंसा। वैश्विक कोरोना महामारी फैली हुई है, हमारा देश भी संकट के दौर से गुजर रहा है और मानव जीवन ही संकट में पड़ा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग सभी लोग जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में बालाजी परिवार भी अपने स्तर से सामाजिक जो कार्य कर रही है, गरीबों को और जो ज़रूरतमंद को जो सामान मुहैया करा रही है, इनका भी बहुत सराहनीय कार्य है। और हम लोग घर से दूर 24 घंटे की ड्यूटी है कर रहे हैं अभी इस क्षेत्र में। ऐसे में बालाजी परिवार का इस तरह का सम्मान देना हम लोगों का लगता है कि मैं हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहा है और लगता है कि हम अपने परिवार के बीच में हैं और परिवार के लिए काम कर रहे हैं। इन लोग ये हमारे परिवार के सदस्य जैसे लग रहे हैं। हम लोग काफ़ी उत्साहवर्धन हो रहा है और हम लोग और उत्साह के साथ इस वैश्विक कोरोना महामारी के विरुद्ध जो हम लोग का ये जन अभियान, जन संघर्ष चल रहा है, उसको हम लोग करेंगे और कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य तो समाज में जो पिछड़े हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी सेवा करना है। और ये हमारा बालाजी परिवार, बालाजी रसोई, ये हमारा विंग है। हमारे जितने भी सदस्य हैं, इसमें कोई अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष नहीं है, सब इक्वल हैं। सभी लोग जी जान से लगे हुए हैं। और कल हम लोगों ने नगर निगम के जो है कर्मचारी का, जो वार्ड नंबर 10 में जितने हैं 18-20, उनका भी हम लोग सम्मान किए थे। आगे भी हम लोग और लोगों का इसी तरह जो इस कार्य से लगे हुए हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, उनका भी हम लोग आगे सम्मान करेंगे। और ये जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हमारा ये राशन का कार्यक्रम जो है निरंतर चल रहा है। 200 से 225 के रेशियो में डेली हम इसको वितरण कर रहे हैं। दरभंगा जिला के तमाम जो पिछड़े एरिया हैं वहाँ से लोग आते हैं, वहाँ हम लोग कूपन जा करके देते हैं। हमारे कार्यकर्ता जो हमारे सदस्य हैं वो लोग जा जा करके चिन्हित करके उनको देते हैं, वो यहाँ से आकर के राशन ले जाते हैं। युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी अपनी पूरी टीम के साथ लगातार जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे राहत सामग्री। युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी के नेतृत्व में लगातार शुभंकरपुर के पीड़ित दिहाड़ी मजदूर परिवारों के बीच राहत सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बालेंद्र झा ने बताया कि आपसी सहयोग से सभी युवा साथी गांव के दिहाड़ी मजदूर जो लॉकडाउन की वजह से अपनी रोजी रोटी से दूर हो गए हैं और भूखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग उन्हें राहत सामग्री पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सभी युवा साथियों का यह संकल्प है कि हमारे गाँव में कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। राहत पैकेट में चावल, दाल, आटा, चूड़ा, आलू, सरसों तेल, सोयाबीन और नमक आदि सूखा खाद्यान्न पदार्थ दिया जा रहा है। इस अभियान में कमलेश राय, कृष्ण मोहन राउत, विजय राय, जय भारद्वाज, रोशन झा, प्रत्युष कुमार, रूपम कुमार आदि कार्यकर्ता सहयोग में लगातार लगे हुए हैं। जी, हम लोग शुभंकरपुर के युवा साथी आपस में ही सहयोग करके शुभंकरपुर गाँव में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर करने वाले जितने भी लोग हैं, क्योंकि बाजार बहुत ही नज़दीक है, दरभंगा टावर, बड़ा बाजार, दरभंगा गुदरी बाजार नज़दीक में ही पड़ता है हमारे गांव के, इसलिए हमारे गांव में ठेला वाले, रिक्शा वाले, मोटिया का काम करने वाले, भवन निर्माण में उपयोग होने वाले मजदूरों की संख्या काफ़ी अधिक संख्या में है। हम सब युवा साथी आपस में ही मिलकर लोगों से सहयोग लेकर, आपस में ही सहयोग करके उन सभी पीड़ित मजदूर परिवारों तक राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम लोग करीब करीब 60 से 70 ऐसे पीड़ित परिवारों तक साइकिल से आपस में मिलकर राहत सामग्री पहुंचाने का काम किए हैं। और हम लोगों का यह प्रण है कि हमारे गांव में कोई भी व्यक्ति अनाज के अभाव में भूखा न सोए। हमारी पूरी टीम, बड़े भाई और युवा साथी सब लोग मिलकर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री निश्चित रूप से पहुंचाया जाए। आपदा में ग्रामीणों द्वारा सहायता के हेतु कुछ भोजन सामग्री वितरण किया जा रहा है, इसके लिए मैं बालेंद्र झा उर्फ बालाजी एवं तमाम ग्रामीणों के नवयुवकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस आपदा की घड़ी में कुछ भी तरह का हेल्प करके एक बहुत बड़ा योगदान किया है। हमेशा इस तरह की योगदान करते रहे, इस आपदा जैसी जैसी आवे उसी आपदा में हेल्प करे, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। न्यूज टुडे पर खबरें अभी आ रही है, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड प्री फाउंडेशन फॉर क्लास 7 to 10th, ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर, दरभंगा। क्वालिटी स्टडी मटेरियल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, इम्पेकेबल एडमिनिस्ट्रेशन, हाई क्वालिटी एंड ट्रेन्ड फैकल्टीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग सेशन एंड स्पेशल हेल्प डेस्क, पर्सनलाइज्ड कोचिंग एंड मोटिवेशनल सेमिनार्स, वेल इक्विप्ड रिच लाइब्रेरी, सेफ कैंपस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, रिजनेबल फी, कम सी एंड डिसाइड। फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह, नियर KS कॉलेज, दरभंगा, फॉर 11th, 12th, JEE मेन, एडवांस एंड नीट। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, हेरू इंग्लिश स्कूल, दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस, रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम, एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट, नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स,
5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबों का स्वागत, बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सख्त हुई पुलिस तो 100% हुआ लॉकडाउन, मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में पुलिस की भारी दस्तक। दिन भर ही नहीं शाम में भी हर तरफ हुई किलेबंदी, बेवजह निकलने वालों की ली गई खबर। कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरतने के चलते अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। छोटाई पट्टी पंचायत के पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द, सदर एसडीओ ने की कार्रवाई। लॉकडाउन का पालन कराने में एनसीसी कैडेट्स निभाएंगे रोल। डीएमसीएच एवं रेफरल अस्पतालों में चिकित्सा सेवा तत्काल शुरू होगी। कोरोना कर्मवीरों का बालाजी रसोई परिवार कर रहा सम्मान, जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा खाने पीने का सामान। और युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी अपनी टीम के साथ लगातार जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे राहत सामग्री। वार्ड नंबर 26 में साफ सफाई लगातार हो रही है, चूना और ब्लीचिंग का छिड़काव हो रहा है, सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और राशन कार्ड के लिए स्वयं मुस्तैद हैं जरूरतमंदों को राशन कार्ड दिलाने के लिए पार्षद अजय महतो और उनकी पूरी टीम। लगातार वार्ड नंबर 26 को सैनिटाइज किया जा रहा है। वार्ड पार्षद अजय महतो के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वार्ड के गलियों को, सड़कों को एवं घर के मुख्य द्वार इत्यादि को सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का यह कार्य प्रारंभ से ही चलाया जा रहा है, वार्ड पार्षद ने दी है जानकारी। इसके साथ ही जो जरूरतमंद हैं और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड बनवाने के लिए भी लगातार वार्ड वासियों को कर रहे हैं वे स्वयं मदद। कार्य हो रहा है यहाँ, जो गरीब लोग जो राशन कार्ड से वंचित है उनकी व्यवस्था के लिए डीएम साहब का आदेश है उसको फुलफिल करने के, ताकि लोगों को भगवाना नहीं पड़े। सबको लॉकडाउन के सबसे कहने की प्रार्थना करेंगे कि लोग सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, किसी प्रकार का किसी को भी कोई दिक्कत हो अनाज भोजन पानी में तो आके मुझसे पर्सनल मिले, मैं उनको हर एक सब सुविधा साथ रखें। बाहर से जो परदेशी आए थे उनकी सूची सौंप दीजिए। उनकी सूची मैं सौंप चुका हूँ और मैं अपने गाइड करता हूँ कि मेरे यहाँ किसी तरह का कोई बाहरी आवेंगे मैं तुरंत प्रशासन को सुपुर्द करूंगा। आपके वार्ड की क्या स्थिति है कोरोना को लेकर सुरक्षा? मेरे यहाँ सुरक्षा का पूरा प्रबंध है, मैं प्रत्येक दिन ब्लीचिंग और सर्चार्ज का प्रयोग करता हूँ। भूख के विरोध में भात के लिए कई जगह पीटी गई थाली और रखा गया उपवास। भूख के विरोध में भात के लिए कई जगह पीटी गई थाली तो कई जगह रखा गया उपवास, माले ने कहा। केंद्र व राज्य की सरकार को आगाह करने के लिए हो रहा है आयोजन, गरीबों के लिए राशन की व्यवस्था जल्द करे सरकार, माले ने की मांग। भाकपा माले के राष्ट्रीय आह्वान पर भूख के विरोध में भारत के लिए जगह जगह दलित गरीबों ने राशन की खातिर थाली बजाया तथा कई जगहों पर उपवास रखा। दिल्ली पटना की सरकार से लॉकडाउन में दलित गरीबों को भोजन की मांग की गई। भूख के विरुद्ध भात के लिए उपवास आज दरभंगा जिला कार्यालय में हम लोग बैठे हैं और दरभंगा में सैकड़ों गांव में थाली पीट करके राशन की मांग गरीब लोग कर रहे हैं और लॉकडाउन को सफल बनाओ, गरीबों के घर घर राशन पहुंचाओ। आज गरीबों के अंदर लॉकडाउन के 21 दिन हो जाने के बाद एक भुखमरी सी स्थिति है और सरकार की घोषणा जमीन पर आज तक लागू नहीं हुआ, ये सरकार के लापरवाही को साफ साफ दिखलाता है। इसलिए हम भाकपा माले के लोग यह साफ साफ सरकार को, केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार के नीतीश सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप कोरोना की तैयारी करो, कोरोना से कैसे लोगों को मुक्ति मिलेगा, इसलिए ब्लॉक स्तर पर जांच केंद्र बनाओ, ज्यादा से ज्यादा जांच करो और गरीब जो भूख से मर रहे हैं उनको तत्काल उनके घर राशन पहुंचाओ, उनका जो जरूरत है भोजन का, भात का, उसको पहुंचाओ। ये हमारा मांग है और इसी मांग के साथ हम लोग आज उपवास पर बैठे हैं। और दरभंगा में कांग्रेस ने कंट्रोल रूम प्रभारियों को उपलब्ध कराया साबुन।
कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी, जिला कंट्रोल रूम बलभद्रपुर में भेजे गए डिटॉल साबुन को रविवार को कांग्रेस द्वारा बनाए गए जिले के सभी प्रखंड स्थित कोविड 19 कंट्रोल रूम के प्रभारियों को सौंप दिया गया। ये तब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सख्त हुई पुलिस तो 100% हुआ लॉकडाउन, मुख्य सड़कों से लेकर गलियों तक में पुलिस की भारी दस्तक। दिन भर ही नहीं शाम में भी हर तरफ हुई किलेबंदी, बेवजह निकलने वालों की ली गई खबर। कर्तव्य निर्वहन में शिथिलता बरतने के चलते अधिकारियों पर हुई कार्रवाई। छोटाई पट्टी पंचायत के पीडीएस डीलर की अनुज्ञप्ति रद्द, सदर एसडीओ ने की कार्रवाई। लॉकडाउन का पालन कराने में एनसीसी कैडेट्स निभाएंगे रोल। डीएमसीएच एवं रेफरल अस्पतालों में चिकित्सा सेवा तत्काल शुरू होगी। कोरोना कर्मवीरों का बालाजी रसोई परिवार कर रहा सम्मान, जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जा रहा खाने पीने का सामान। और युवा भाजपा नेता बालेंदु झा बालाजी अपनी टीम के साथ लगातार जरूरतमंदों को उपलब्ध करा रहे राहत सामग्री। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। अनुरोध है आपसे, स्टे होम स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।